हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 17 क्या कह रहा है। देखो, इसमें भी सेम ही कंसेप्ट है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन के बिना। बस पॉइंट क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आपको सी को वैल्यू को हटाना पड़ता है एक्स और वाई वैल्यू पुट करके, बस इतना ही। जनरल सॉल्यूशन तो सेम ही स्टेप है सबके अंदर, ठीक है। तो देखो इक्वेशन क्या गिवन है आपको, पहले वो देख लो। डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई, मैं इस वाई को पीछे लिख देता हूँ थोड़ा सा और कॉट एक्स को आगे लिख देता हूँ, है ना। देखो इस पॉइंट को देखना आप, कॉट एक्स वाई इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। अब आप इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन से, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, दिख रहा है। तो ये वैल्यू p हो गई, ये वैल्यू q हो गई। ऑन कंपेयरिंग बोथ p इक्वल्स टू कॉट एक्स और q इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, बताओ है या नहीं है। हाँ सर है तो सही। अब आगे देखो, अगर ये वैल्यू इस तरीके से आपके इक्वल आ रही है, ये वैल्यू इस तरीके से आपके इक्वल आ रही है, तो आपको करना क्या है समझो। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो निकालना है आई एफ। आई एफ क्या होगा, e इंटीग्रेट p डॉट dx। आई एफ इक्वल्स टू ई इंटीग्रेट पी की वैल्यू क्या है, कॉट एक्स डॉट डी एक्स। अब आपको क्या पता है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, करते हैं तो क्या होता है। वैसे तो हमें डायरेक्टली पता है, कॉस अपॉन साइन करके भी ब्रेक कर सकते हैं हम चाहे तो, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लॉग साइन एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, और आई एफ आ जाएगा आपके पास ई की पार लॉग एक्स का आंसर क्या आता है, हमेशा वही वैल्यू आती है सर, साइन एक्स। ये आ गया। अब आपकी इक्वेशन देखो क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी वाई इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ प्लस सी। अब वाई इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स है, इंटीग्रेट क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, और इसकी वैल्यू साइन एक्स। वैल्यू देख लेना सही है ना, 2x प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर कॉट एक्स, ठीक है, और डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अभी साइन एक्स को इससे मल्टीप्लाई भी करो, इससे मल्टीप्लाई भी करो, करो मल्टीप्लाई। 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। यहां देखो एक्स स्क्वायर कॉट एक्स की जगह क्या होता है सर, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, और ये इनटू में साइन एक्स, ये वैल्यू इससे कट जाएगी। तो फाइनली आपके पास देखो क्या बचेगा, फाइनली हमारे पास बचेगा साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेट 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी, केवल ये बचेगा। इसका आपको इंटीग्रेशन हम दोनों में सेपरेट कर देना है। दोनों में कैसे सेपरेट करेंगे इंटीग्रेशन, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ तक एक बार पॉज करके आराम से सारे स्टेप कॉपी कर लेना, ठीक है, या फिर फिर से रिवाइज करके देख लेना, कोई दिक्कत लगे। वाई साइन एक्स आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, वाई साइन एक्स इंटीग्रेट 2x साइन एक्स का पहले इंटीग्रेशन करो, 2 मैंने बाहर निकाल देना है, एक सेकेंड, 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, डॉट डी एक्स, ठीक है, और ये प्लस में सी चल रहा है, ठीक है। अब आपको इसका सिंपली इंटीग्रेशन वगैरह करना है, तो यहाँ तो आएगा नहीं, मैं नीचे वाले यहाँ स्लाइड से लिख रहा हूँ। देखो वाई साइन एक्स इक्वल्स टू टू ब्रैकेट लगाया, अब देखो यहाँ पे आपको आईलेट की ट्रिक याद है, ILAT, अर्थमेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक, दैट इज यू दैट इज वी दैट इज यू दैट इज वी, करो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली। यू को एज इट इज रखते हैं हम, वी का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस होल इंटीग्रेशन, यू का डिफरेंशिएशन होता है आपको पता है, फिर इंटीग्रेशन, फिर ये ब्रैकेट क्लोज डीएक्स, और फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज प्लस। इधर देखो यू एज इट इज किया, माइनस होल इंटीग्रेशन
dx, फिर इंटीग्रेशन, फिर आ जाओ आगे देखो, y साइन एक्स इक्वल्स टू टू। अब इधर खोलना शुरू करो, साइन एक्स का कितना हो जाता है सर, माइनस कॉस एक्स होता है इसका, साइन एक्स का, ठीक है, माइनस फिर होल इंटीग्रेशन, इसका कितना होगा, वन होगा, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स dx ब्रैकेट क्लोज प्लस, इधर देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का साइन एक्स होता है, माइनस होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टू एक्स, और फिर कॉस एक्स का कितना हो जाएगा सर, कॉस एक्स का हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स फिर डॉट dx, ठीक है भाई, ओपन करो, टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का टू एक्स, कॉस एक्स होगा नहीं होगा, हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस, ये वाला माइनस तो यहाँ आ गया, ठीक है, और ये टू एक्स कॉस एक्स हो गया, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, और ये वाला जो टू है फिर मैं यहाँ लगा रहा हूँ, फिर इंटीग्रेट खोल रहा हूँ कॉस एक्स डॉट dx, ठीक है सर, प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें कौन सी वैल्यू है जो अपने छोड़ दी है, नहीं भाई नहीं कोई सी नहीं छोड़ी है, इधर देखो ये माइनस का टू इंटीग्रेट एक्स डॉट साइन एक्स डॉट dx, ठीक है, ये भी यू और ये भी वी की तरह वर्क करेगा नहीं करेगा बताओ, हाँ सर करेगा, इसका फिर करो टू एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाता है सर, कॉस एक्स का फिर से साइन एक्स, प्लस का टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस टू, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, अब यू इंटू वी लगाओ, फिर से यू एज इट इज रखा, इंटीग्रेट ऑफ वी माइनस होल इंटीग्रेश इंटीग्रेट, फिर यू का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेट, और फिर इस पूरे का dx। अब देखो ये थोड़े से लेंदी हैं स्टेप्स वगैरह, यू इंटू वी एंड ऑल, ये सब आपने डिफरेंट इंटीग्रेशन चैप्टर में अच्छे से पढ़े होंगे, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना ज़्यादा, ठीक है, और अगर आपको डाउट लग रहा है तो पहले आप उन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो जिनके ये एक्सरसाइज है एक्चुअल में, ना अपन यहाँ ज़्यादा इन पर डिस्कस नहीं करेंगे वरना बहुत लेट हो जाएंगे अपना कोर्स कंप्लीट करने में, मल्टीप्लाई करते चलो, पहले खोल लो उसको, एक्स साइन एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन, एक्स का कितना हो जाएगा वन, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट, ठीक है सर, आगे देखो माइनस टू एक्स कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसको ओपन करो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस टू एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस कितना हुआ प्लस हुआ, और ये माइनस टू है तो ये माइनस टू यहीं पर, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, ये माइनस टू इससे अंदर मल्टीप्लाई हुआ, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे फिर से तो आपके पास क्या बन जाएगा साइन एक्स, और ये प्लस सी चल रहा है सब में, ठीक है, अब देखो इसमें से क्या क्या कट सकता है, ये कट गया, ये कट गया, केवल क्या बचा एक्स स्क्वायर साइन एक्स बचा यहाँ पे, और एक सी बचा, तो लास्ट में क्या स्टेप आप कॉपी करनी है, यहाँ तक पॉज करके इस पूरे स्टेप्स को कॉपी कर लेना आराम से अच्छे से, एक एक वैल्यू का, कहीं पर भी माइनस प्लस की मिस्टेक हुई तो आपका खेल बिगड़ जाएगा पूरा, क्या बचा देखो यहाँ पे वाई साइन एक्स, मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर, वाई साइन एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स ये क्या है आपकी रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है एक तरीके से, ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें पुट करना है y इक्वल्स टू जीरो एंड x इक्वल्स टू पाई बाय, पुट करो वैल्यू, y की जगह मैं जीरो पुट करूंगा तो ये तो जीरो हो गया छोड़ो उसको, x की जगह क्या पुट करना है पाई बाय टू का होल स्क्वायर और साइन पाई बाय टू प्लस सी, ये पाई बाय टू कितना हो गया सर, ये हो गया हमारे पास पाई स्क्वायर बाय फोर और साइन पाई बाय टू ये वन और ये सी, इसको उठा के उधर भेजेंगे तो हमारे पास सी का वैल्यू क्या आ जाएगा नेगेटिव का पाई स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा, बताओ आएगा नहीं आएगा, ये वैल्यू किधर आएगी नेगेटिव हो जाएगी, इसको क्या करना है इसको इसको आपको अगेन पुट इन जनरल सॉल्यूशन, अब जनरल सॉल्यूशन क्या है देखो ये है सी की जगह क्या आ गया माइनस पाई स्क्वायर बाय फोर, साइन एक्स को नीचे भेज दो दोनों के, बिल्कुल सर भेज दो, फोर साइन फाइनली वाई इक्वल्स टू क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस ऑन फोर,
फोर साइन एक्स, बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, ये एक्चुअल में आपका क्या है, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है, ये हो गया है आपका आंसर एग्जाम्पल नंबर 17 के लिए। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज यार लाइक वाइक कर दो कुछ, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या कर रहे हो, पढ़ ही रहे कुछ भी, मतलब व्यूज वगैरह कुछ भी थोड़ा सा शेयर करो, और स्टूडेंट्स को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए गुड बाय।